गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ मेलबी बॉय। आज यार मेरे को ना थोड़ा दुख हो रहा है और बहुत अजीब लग रहा है ये वीडियो बनाते हुए। बताना था मतलब लाइक ऑफ कोर्स ये चीज़ें समझानी थी क्योंकि मैंने ऊबर की वीडियोस डाल रखी है। जब मैं ऊबर करता हूँ तो मैंने ऊबर करते हुए बोला कि भाई हमारी फैमिली बहुत दूर है। वो ऐसे हैं कि वो हमसे बस फ़ोन पर बात कर सकते हैं और उनके हाथ पैर कटे हुए हैं ये समझ लो, क्योंकि वो वहाँ से बैठ के कुछ कर ही नहीं सकते। तो आपको हमेशा आपकी सिक्स सेंस खुली रहनी चाहिए हमेशा, चाहे जो मर्जी हो जाए। और ये पिंपल हो रखा है, थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि जबानी छा रही है तुम्हारे भाई की। ये बटन भी खुल रखा है, सेट हो रहा था बट नहा के आया हूँ। माँ कसम कसम से ये देखो गोरा तो लग ही रहा हूँ ना मैं। बहुत सीरियस टॉपिक है क्योंकि मैं एज ए ऊबर डिलीवरी गाय जो करता हूँ, तो पहले से स्टार्ट करते हैं कि तीन तरीके होते हैं, ठीक है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में तीन तरीके होते हैं। एक आप साइकिल इलेक्ट्रिक साइकिल रेंट कर सकते हो जो मैंने कर रखी है, एक आप स्कूटी पे कर सकते हो जो इंडिया में नहीं होती थी एक्टिव, आप वैसे कर सकते हो। थर्ड आप कर सकते हो गाड़ी पे, फोर्थ आप उस पर भी कर सकते हो मैनुअल साइकिल पे, बट बहुत टाइम लगता है और यहाँ पर अपहिल डाउन हिल काफ़ी होता है, ठीक है। तो ये समझ लो सिटी पहाड़ों पे ही बन रखी है, बहुत पहाड़ है, ठीक है। मॉडरेट हिल, डाउन, अप हिल, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है वो मैनुअल साइकिल पे करते करते। तो और दो आप तीन ऐप्स हैं जिसमें आप डिलीवर कर सकते हो, ऊबर ईट्स, मीनूलॉग जो मेन्यूलॉग बोलते हैं MENULOG है, ठीक है, और डोडाश, ठीक है। मैं ऊबर ही करता हूँ। लोग क्या करते हैं टाइम बचाने के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए दोनों पे ऑन कर देते हैं और देखते हुए चलते हैं। इससे एक डिलीवरी आई, दूसरे से डिलीवरी आई, दोनों की उठा ली, पहले इसे छोड़ा फिर इसे छोड़ा, दैट इज़ वेरी टफ, ठीक है। मैं नहीं करता, मेरे को इतनी भसड़ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। और लोग क्या करते हैं कि अगर दोनों ऑन रखते हैं, अगर इस पर डिलीवरी आ जाए तो ये ऑफ़ कर देते हैं, इस पर डिलीवरी आ जाए तो ये ऑफ़ कर देते हैं, ये टैक्सी ड्राइवर्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है ये सब कुछ करना, बट लोग करते हैं क्योंकि पैसे कमाना होता है। और मैंने जैसे पिछले वीडियोस में बोला है कि फैमिली बहुत दूर है, यार मैं सही में मीन करता हूँ। मैं बीइंग अ 24-year-old गाय मेरे को पता है भाई अगर कुछ भी हुआ ना मेरे घर वाले नहीं होंगे, और घर वालों की याद आती है, सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को याद आती है, और मैं अनोखा नहीं हूँ, मेरे को भी आती है घर वालों की याद। लग्जरी की नहीं आती बट घर वालों की आती है, क्योंकि तुम इतना अटैच होते हो और अगर तुम्हें कुछ भी एक चोट भी लग जाती है, नाखून कुछ भी स्क्रैच हो जाता है ना, तो घर वालों को टेंशन हो जाती है। तो सब कुछ घर वालों को भी नहीं बता सकते। बहुत केसेस आ रहे हैं, अब एक इंडियन स्टूडेंट की डेथ हो गई है सिडनी में, वो साइकिल पे कर रहा था और हमें बड़ी सी मेल आई थी ऊबर वालों को कि आराम से चलो, सेफ करो। और ऊबर वालों पे ना तीन ऑप्शंस होते हैं अगर जब आप ऊबर डिलीवरी करते हो, तो तीन ऑप्शंस होते हैं कि ट्रैक माई डिलीवरी, और अगर तुम्हें हेल्प चाहिए होती है ना तो ऊबर वाले हेल्प भेज देते हैं। साइकिल वालों के पास होती है, मेरे को पता नहीं गाड़ी वालों के पास होती है नहीं, ऑप्शंस होते हैं कि आप इमरजेंसी पे कॉल कर सकते हो या कुछ भी, तो शॉर्टकट्स होते हैं ऊबर की ऐप पे वो कर सकते हो, बट जब बंदा ही मर जाएगा तो कैसे कॉल करेगा, हिट हो गया था। मेलबर्न का सिनेरियो ये है, तो यहाँ पर सिटी में कहीं कहीं जगह पे एक स्पॉन्सर स्ट्रीट है तो वहाँ पर गाड़ी अलाउड नहीं है, और ट्राम ट्रैक बन रखा है ऐसे और उसके ऊपर साइकिल जा सकती है, और यहीं पर ना स्टॉप है, ठीक है। तो लोग आते जाते हैं यहाँ से चढ़ते हैं और ट्राम में चढ़ जाते हैं, जैसे ये ट्राम है और ये स्टॉप है और यहाँ पर साइकिल चला सकते हो। तो अभी एक न्यूज़ आई है कि ट्राम वाले से लड़ लिया, क्यों लड़ लिया पता नहीं, क्यों लड़ लिया क्योंकि जब आप इस पर चलाते हो ना, इस जहाँ पर स्टॉप बना होता है उस पर आपको रुकना पड़ता है जब ट्राम के दरवाजे खुलते हैं, ताकि सारे उतर पाएँ और सारे चढ़ पाएँ। बट उस बंदे ने क्या किया, वो रुका नहीं और वो सीधा चले गया और ट्राम के ड्राइवर से उसने लड़ाई कर ली, माथा पच्ची करी उन्होंने एक दूसरे को, और ऊबर वाले ने कोई वेपन निकाला और ट्राम के ड्राइवर को मारा। Beaten and bloodied while trying to do his job, a tram driver attacked by a food delivery rider in the heart of the city. They just started going at each other and I think he pulled out a weapon as well. He had something black in his hand, I can't say whether it was a weapon or not, but it was something black and it was hard enough to cause damage to his head.
Police seized this bike chain as they questioned the Hungry Panda worker. Witnesses say the cyclist failed to stop outside Melbourne Central just after 2 p.m. as passengers got off the tram. The driver started yelling and it quickly turned physical. Obviously, it's just resorted to unnecessary violence. Passengers who were on the busy service were taken off that tram and put on a replacement tram. There were minimal disruptions to the service as police questioned witnesses. The tram driver, aged in his 50s, was taken to the Royal Melbourne Hospital. The injured Hungry Panda worker refused an ambulance and is in custody. The company says rider safety is its first priority and it has zero tolerance towards any dangerous behaviour. He's on. Elizabeth Moss, Nine News. Okay, he went to custody. But you... ऊबर वाले क्यों गलती कर रहे हैं भाई, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये उनकी वजह से, उन लोगों की वजह से हमारा भी नाम ख़राब होता है। और सिटी में मैंने बहुत बारी बोला मैं सिटी में नहीं करता क्योंकि सिटी में बहुत कचरा है। और मैं किसी को भी बोलूँगा कि सिटी में ऊबर मत करना, क्योंकि एक तो ये भसड़ हो गई है, ठीक है, कि उन्होंने लड़ लिया। अब ऊबर ड्राइवर, ऊबर जो साइकिल चला रहा था, पता नहीं किस उसमें था, ईगो में था, किस एटीट्यूड में था, कि मतलब आउट ऑफ नोवेयर क्यों लड़ रहा है भाई तू, अगर जब गलत है। और सिटी में आधे ऊबर डिलीवरी वाले गए लाइक गलत होते ही होते हैं, क्योंकि वो देखते नहीं है टाइम बचाने के लिए, वो करते रहते हैं जल्दी, तेज़ करते हैं, सारी रेड लाइट जंप करते हैं, कहीं भी चढ़ा देते हैं। तो इट्स नॉट सेफ इन द सिटी। मेरे को पर्सनली नहीं पसंद सिटी। पहले पहले जब मैं आया था तब मेरे को पसंद था क्योंकि कम भसड़ थी, अब बहुत भसड़ हो गई सिटी में। तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू डू ऊबर इन सिटी। तो यार ये बस दो ही केस नहीं है, ठीक है, इसमें बहुत सारे केसेस हुए भी हैं और मेरे हिसाब से होते रहेंगे, ठीक है। मैं अभी ये बैठ के तो ये भाषण दे सकता हूँ, बट मैं जब साइकिल चलाऊँगा आई विल मेक श्योर कि भाई ऊपर मैं बताऊँ कैसे करता हूँ साइकिल पे टू बी वेरी सेफ। ऑस्ट्रेलिया में मैंने ये देखा है, ऑस्ट्रेलिया में अगर तुम कुछ भी गलती करोगे ना तुम नहीं उससे बच सकते। यहाँ पर आपको पता है कि हम आमने सामने अगर तुम बैठते हो ट्रेन में तो सीट्स होती हैं, तो यहाँ पर आप अपना पैर भी नहीं रख सकते, आपको $228 का चलान हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और यहाँ पर लोग अपनी ईगो में चलाते हैं बिकॉज दे नो दे आर राइट। और यहाँ पर लाइसेंस लेना बहुत ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। और जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैं यहाँ पर उन्हें 5-5, 6-6 साल में अपना फुल लाइसेंस मिलता है, 5 साल में फुल लाइसेंस मिलता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और अगर आपको 5 साल, ये सरकार सोच रही है कि 5 साल में आपको लाइसेंस देगी, तो सोचो वो तो ईगो में चले गए ना, तो वो अपनी गलती नहीं मानेगा कभी भी, और क्योंकि वो सही होगा। और आपको बचना है और आपको ये समझना है कि भाई आगे वाला गलती करेगा या पीछे वाला गलती करेगा या साइड वाला गलती करेगा, आपको बच के रहना है। और आपको बहुत दिमाग से चलना है अगर आप साइकिल पर कर रहे हो। गाड़ी पर ऑफकोर्स गाड़ी के अलग रूल्स हैं, बट साइकिल के बहुत अलग रूल्स हैं, बिकॉज साइकिल कभी साइकिल लेन होती है नहीं होती, आपको पता ही नहीं कब एंड हो जाएगी और कब आपको फुटपाथ पर चलना नहीं है। तो मैं ये सारी चीज़ें आने वाली यूट्यूब वीडियोज़ में बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि एक्सीडेंट हो लोगों के, क्योंकि जब मैं चलाता हूँ मेरे को पैसे कमाने का कुछ नहीं होता, मेरे को सबसे पहले होता है सेफ्टी का। क्योंकि द डे आई स्टार्टेड डूइंग ऊबर माई डैड वॉज लाइक भाई सेफ रहियो, कम पैसे कमा लियो, कोई दिक्कत नहीं है, बट तू सेफ रहियो। क्योंकि वही कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, यहाँ पर हमारा कोई नहीं है, दोस्त हैं ऑफकोर्स, बट दोस्त भी हमारे एज के हैं ना जो पैनिक कर देंगे, जो जिन्होंने कभी ये फेस नहीं किया। और अभी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि मेरे 2-3 दोस्त जो हैं वो मेरे एज से कम है और मैं भी कभी कभार पैनिक कर जाता हूँ किसी किसी सिचुएशन में, क्योंकि वो मैंने खुद नहीं देख रखी होती। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके साथ जब तुम आओगे, और मेरे पास 2-4 और स्टोरीज़ हैं जो मेरे को शेयर करनी है, बट मैं कर नहीं पा रहा, वो उसके साथ आ नहीं पा रहा, बस माय मासी नोज अबाउट इट। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि चलती रहती है। तो वही है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको टेस्ट करता है, बट यार जस्ट बी सेफ। और मैं तो बोलूँगा यार कि एक्सीडेंट्स और ये, और आपको कोई भी अगर आप छोटी सी भी गलती करते हो ना, या आप सही भी हो तब भी, अगर पीपल आर अक्यूजिंग यू जस्ट से सॉरी। यहाँ पर लड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपको छोटा बन के ही बड़ा बनना पड़ेगा। अगर आप सॉरी बोल दोगे ना उसमें ही आपकी भलाई है और बड़े बन जाओगे आप। मैं हमेशा मानता हूँ कि लड़ने से कुछ हल नहीं निकलता,
और जैसे अभी लास्ट में मैंने अभी लगाई होगी उसमें कि वो उसने वेपन निकाल लिया और वेपन निकाल के ट्राम ड्राइवर को मारने का कुछ फ़र्क लाइक देर वॉज नो पॉइंट डूइंग दैट जब और क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ऊबर डिलीवरी वाले लोगों को ऊबर ड्राइवर्स गलत ही होते हैं फॉर श्योर बट ये थोड़ा सा यार देख के चलो मैं तो इतना बोलूँगा आने वाले वीडियो में आपको सब बताऊँगा कैसे आप सेफ रह सकते हो साइकिल पे और बस दैट्स ऑल लाइक शेयर सब्सक्राइब फैला दो ये थोड़ा सेफ रहो और कुछ नहीं चाहिए बाय सी यू सून